GT इंटरसेप्टर सब अपनी जगह बेस्ट बाइक है, बट इस बाइक का कभी भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ सकता। फिफ्थ गियर पर बाइक है एंड मैं स्पीड स्लो कर लेता हूँ। अब आ गई है 30 की स्पीड एंड देखो आप। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आज मैं आपके लिए ऑल न्यू 2023 रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 पर फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। 2023 वेरिएंट है, जैसा कि आप देख सकते हो, अभी रिसेंटली परचेस करी है, 7 से 8 दिन ही हुए, नंबर प्लेट भी नहीं आई है, बट ओनर ने यहाँ पर की काफ़ी अच्छी मॉड करके रखी है एंड स्टैंडर्ड। ये बुलेट 350 जो लोग लेते हैं ना, मॉडिफिकेशन के बहुत शौकीन रहते हैं। ओनर से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, अभी एग्जॉस्ट भी इसमें डलने वाला है, बहुत सारे मॉड्स प्लान करके रखे हैं। आज फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो भी कोई बुलेट 350 लेने का प्लान कर रहा है, बिकॉज इसके कोई भी डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं आता, वन एंड ओनली यूनिक प्रोडक्ट है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, पूरी रेट्रो बाइक है। सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं एंड किक से स्टार्ट करने का मजा ही कुछ और है। तो स्टार्ट हो गई, अब चलते हैं इसको राइड करने के लिए। गाइस यार, आज यहाँ पर पानी इतना ज़ोरदार आया है ना, तो मेरी रिव्यू वीडियो में भी 2-3 ब्रेक हो गए, बट आई होप आपको राइड एक्सपीरियंस में मज़ा आएगा। आगे हो सकता है थोड़ा बहुत पानी भी गिरे, बट प्लीज़ ब्लॉग का एंजॉय करना। सभी स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ चला रहा हूँ। रिफाइनमेंट तो देखो इनिशियल RPMs पे काफ़ी अच्छी रहती है, बट जैसे ही आप इसे टॉप RPM पे खींचोगे ना, हायर RPMs पे, तो थोड़े बहुत वाइब्रेशन आपको हैंडल बार एज वेल एज़ फुट पैक पे महसूस होंगे एंड उसके बिना यार अगर वाइब्रेशन नहीं आ रहे तो फिर बुलेट चलाने का क्या ही मज़ा है। सारी बातें यार डिटेल में करने वाले हैं, किसको ये बाइक लेना चाहिए किसको नहीं, वो भी मैं आपको वर्डिक शेयर करूँगा। बिकॉज मैंने अभी यूट्यूब पर देखा था कि यार राइड एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड पर बहुत ही कम थे, मतलब मेरे चैनल पर भी आपको फर्स्ट वीडियो ये देखने को मिल रही है, बिकॉज क्लासिक 350 पे, मीटियोर 350, GT, इंटरसेप्टर सब पे वीडियो बना चुका हूँ, बस स्टैंडर्ड पे ही राइड एक्सपीरियंस नहीं बनाया था। सो स्टार्ट करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन से। सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जो कि अराउंड आपको प्रोड्यूस करता है 19 PS की पावर एंड 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब जो इसका इंजन है ना गाइज, आपको जो जे प्लेटफॉर्म इंजन आता है मीटियर और क्लासिक, उससे डिफरेंट देखने को मिलता है। इसमें वही ओल्ड वाला इंजन मिलता है। अब नए इंजन जो आ रहे हैं ना क्लासिक एंड मीटियर में, उसमें आपको जो BHP पावर है वो इंक्रीज कर दी है 1 PS की, बट जो टॉर्क है उसमें आपको कम मिलता है। और मैंने अभी फिफ्थ गियर डाल दिया, अब लो एंड टॉर्क दिखाता हूँ आपको मैं। फिफ्थ गियर पर बाइक है एंड मैं स्पीड स्लो कर लेता हूँ। अब आ गई है 30 की स्पीड एंड देखो आप, 30 की स्पीड पे भी नॉक नहीं करनी है, कितने इजीली। देखो 30 की स्पीड पे मैंने फुल थ्रॉटल दे दिया है, क्या टॉर्क है, मतलब 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क, मज़ा आ जाता है। एंड जब आप इसमें एग्जॉस्ट लगाते हो ना, तो आपको लो एंड पे, मतलब हायर गियर पे, जब आप लो RPM पे, तो थंब भी बहुत प्रॉपर प्रोड्यूस करती है एंड आई होप आपको विजिबिलिटी अच्छी मिल रही होगी, बिकॉज पानी मुश्किल से रुका है ना, अब आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ओवरऑल अगर राइडिंग फील की बात करें, तो मैं रॉयल इनफील्ड की इतनी बाइक्स पर राइड वीडियो बना चुका हूँ जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बट हमेशा से स्टैंडर्ड को चलाने का, स्टैंडर्ड बोल लो बुलेट 350 बोल लो, इसको चलाने का अलग ही फील रहा है। एक एग्जॉस्ट की कमी है, वो भी ओनर जल्दी लगवाने वाले हैं, उसके बाद तो मज़ा ही आ जाता है। थोड़ा सा इसको 70-80 भी ले जाकर देखेंगे, थोड़ा सा ले जाकर देखते हैं हाई स्पीड। देखो 70-80 तक चला रहे हो, ग्रेजुअली बढ़ा रहे हो, तो आपको कोई भी वाइब्रेशंस देखने को नहीं मिलेंगे, बट हायर RPM पे ले जाओगे तो आपको वाइब्रेशंस फील होने ही वाले हैं। मिरर्स भी ओनर ने हटा दिए, तो मिरर हटाने के बाद तो और अच्छा फील आ रहा है चलाने का, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, नहीं तो लोग कमेंट करेंगे कि आप ऐसा सजेस्ट करते हो, मिरर लगा के ही चलाओ। बट अगर आपका सिटी रन है तो आप हटा भी सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। अब टैंक की बात करें तो 13.5 लीटर का टैंक मिलता है, टोटली कस्टमाइज टैंक है, जो ओवरऑल लुक कैसा दे रहा है मुझे कॉमेंट में एक बार ज़रूर बताना। तो हाईवे पे आ गए हैं हम, यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो यार, इसमें सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, आपको मैं लीन करके भी दिखा देता हूँ। वैसे तो मेरे को इस गाड़ी को थोड़ा लीन करने में डर ही लगेगा। फ्रंट एज वेल एज रियर दोनों ही आपको एकदम थिन टायर्स मिलते हैं, जिसके कारण अगर आप कीचड़ वाले एरिया में चला रहे हो ना, तो आपको स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया मिलने वाली है। क्लासिक या मीटियर चलाओगे ना, तो वो थोड़ी फिसल भी सकती है एंड मुझे लेंस भी बार बार क्लियर करना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पर पानी गिर ही रहा है, मुझे यहाँ तक फील हो रहा है। ब्रेक टेस्ट करते हैं, फ्रंट में डिस्क मिलता है, रियर में ड्रम, ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं एक बार। सो गाइस अगर ब्रेकिंग की बात करें ना, रियर ब्रेक की जो बाइट है बहुत ही कम है, मतलब लिटरली बताना चाहूँगा फ्रंट डिस्क के ऊपर ही पूरी बाइक कंट्रोल होती है, रियर से तो आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रख सकते हो, बट ठीक है, अब धीरे धीरे ग्रेजुअली आदत हो ही जाती है, लोग गियर से भी कंट्रोल करते हैं।
बट ओवरऑल पोस्चर बहुत ही बढ़िया है एंड बहुत ही अपराइट पोस्चर मिलता है. मतलब जब भी आप ये रॉयल इनफील्ड का प्रोडक्ट राइड करोगे ना, स्पेशली स्टैंडर्ड, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है, बिकॉज जिस टाइप का अपराइट पोस्चर है ना, वो आपको बहुत ही अपीलिंग फील कराता है. तो वो एक बड़ा पॉइंट आ जाता है इस बाइक को राइड करने में. अब नेक्स्ट बात करें तो देखो, रॉयल इनफील्ड अभी टेक्नोलॉजी में बहुत अपग्रेड कर रहा है. जैसा कि मैंने अभी क्लासिक पे भी वीडियो बनाई थी, क्लासिक में आपकी किक हटा दी है, अब उसके बाद डिजिटल यहाँ पर ट्रिपर नेविगेशन दे दिया है, एक छोटी सी MID मिल जाती है, एग्जॉस्ट थंप एकदम रिफाइंड कर दिया है. तो बहुत से कस्टमर्स को ये डर रहता है कि यार ये मॉडल तो कंपनी बंद नहीं कर देगी. मैं यही बोलना चाहूँगा, रॉयल इनफील्ड का सेल ही इस बाइक के कारण उठा है इंडियन मार्केट में. यही बाइक है रॉयल इनफील्ड की जो मानी जाती है ना, मतलब USP रॉयल इनफील्ड का ये बाइक है, बिकॉज टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है. GT, इंटरसेप्टर सब अपनी जगह बेस्ट बाइक है, बट इस बाइक का कभी भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ सकता. एंड किक से स्टार्ट करने का फील ही कुछ और है. रेट्रो फील लवर्स है ना, ये बाइक ही लेना चाहिए. अब प्राइसिंग पॉइंट की भी बात कर लेते हैं. 1,48,000 रुपीज़ की एक शोरूम प्राइस है एंड ऑन रोड इसे हमने परचेज करा है 1,85,000 रुपीज़ में. अब अगर आपको सेल्फ वेरियंट की नीड है इसी मॉडल में, तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेंगे. अराउंड 1,63,000 रुपीज़ उसकी प्राइस है एक्स शोरूम. ऑन रोड आपके अराउंड 2,00,000 चली जाती है. तो 2,00,000 के प्राइस बकेट में, मतलब अगर आप क्लासिक से कंपेयर करते हो, क्लासिक के टॉप वेरिएंट 2,50,000 तक चले जाते हैं. तो यार 2,50,000 मतलब अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है स्टैंडर्ड और क्लासिक में. अब जो लोग बुलेट लवर्स हैं ना, ओरिजिनल बुलेट लवर्स, वो इसी बाइक के लिए जाते हैं. जिनके पास 1930 या 1940 मॉडल थी, उनको यही बुलेट अच्छी लगती है, बिकॉज ओरिजिनल फील ही ये बाइक देती है. तो ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है ना इस बाइक के साथ, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है. अब यहाँ से ब्रिज पर ले लेते हैं ऊपर. नया ब्रिज, जैसा कि पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, फाइनली ओपन हो चुका है. अब अगर सीट हाइट की बात करें तो 800 mm की सीट हाइट है और क्लासिक की मिलती है 805. अब गाइस देखो, सीट हाइट इसकी ऐसी है ना कि अगर आप 5'4" हो, 5'5" हो, तो आपको थोड़ी चलाने में दिक्कत आ सकती है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको पोस्चर बताया, बहुत ही अपराइट है. तो कहीं ना कहीं पूरे पैर नहीं टिकते हैं, मतलब मेरे भी पूरे पैर नहीं टिकते हैं, सिर्फ ऐसे मेरी टोज ही नीचे टच रहती है. तो कहीं ना कहीं आपके पूरे पैर इस पर नहीं टिक पाएंगे. बट अगर आप एक 6 feet राइडर हो, 5'9" हो, 5'10" हो, आपके ऊपर ये बाइक परफेक्ट लगने वाली है. लो एंड टॉर्क बता चुका हूँ, हाई स्पीड में भी, मतलब आपको ओवरटेक करना है ना, अलग ही मज़ा आता है इसको चलाने में. अभी 60-70 बहुत ही रिफाइन चल रही है. एंड एग्जॉस्ट आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको लगाना है कि नहीं लगाना है, बिकॉज अधिकतर सिटीज़ में रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. बट अगर आप शौकीन हो तो फिर यार क्या ही ऑप्शन है, आप लगा ही सकते हो. शुड्यू बाइक की जहाँ बात आती है ना, इस बाइक के कोई भी कंपटीशन में नहीं है, बिकॉज रॉयल इनफील्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, मतलब जावा आ गई मार्केट में, ESP आ गई मार्केट में, स्टैंडर्ड का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है. इस बजट में अगर आप कौन सी स्पोर्ट्स बाइक लेते हो ना, तो स्पोर्ट्स बाइक से कोई कंपटीशन ही नहीं बनता है, बिकॉज इस बाइक को अगर आज ईयर चल रहा है 2023, इस बाइक को अगर आप अभी परचेस कर लेते हो ना, 20 साल बाद भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस बाइक को. इतनी प्रॉपर इसकी बिल्ड क्वालिटी, पेंट क्वालिटी एंड स्पेशली रॉयल इनफील्ड का रिलायबल इंजन मिलता है. अब अगर वेट की बात करें तो 186 kg का वेट है. वेट तो वैसे ज़्यादा ही है, बट रॉयल इनफील्ड के दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करें, मीटियर, क्लासिक, तो उनके कंपैरिजन में आपको इसका वेट कम देखने को मिलता है. अब क्वेश्चन जहाँ आता है, शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट, अगर आप ये बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो आग बंद करके ले लो, बिकॉज इन फ्यूचर रॉयल इनफील्ड क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दे. ट्रू बुलेट लवर हो ना, जिसे किक से स्टार्ट करने का मजा चाहिए, पूरी रेट्रो फील चाहिए, कोई डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, GPS जैसे कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, कोई LED लाइट नहीं चाहिए, एक रॉ लवर है, मतलब जो असली बुलेट लवर है ना, वो इस बाइक के लिए जाता है. ओवरऑल मैंने मेरा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा. आई होप गाइज आपको वीडियो में मजा आया होगा. आज बारिश भी ऐसी हो रही थी. आई होप आपको ऑडियो अच्छी आई होगी, व्यू अच्छा मिला होगा, बिकॉज मतलब मैंने अराउंड आधे से एक घंटा वेट करा, इतना जोरदार पानी गिर रहा था. कंट्रोलिंग भी आप देख सकते हो यहाँ पर. अब हम कॉलोनी में आ गए, वीडियो को भी एंड करते हैं. कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इन फ्यूचर आपके लिए ओनर्स रिव्यू भी इस पर मैं जल्दी लेकर आ जाऊँगा. सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ.